कोरोना वायरस महामारी जैसे संकट के समय में लोगों को स्वास्थ्य संबंधित हो रही परेशानियों से निजात दिलाने के लिए प्रशासन ने बैठक का आयोजन किया, जिसमें प्रशासन ने निजी चिकित्सकों के साथ बैठक करते हुए लोगों को राहत दिए जाने पर विचार विमर्श किया। बता दें कि पूरे देश भर में लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है। लॉकडाउन के दौरान भारी मात्रा में लोग अपने मरीजों को लेकर जनपद से बाहर जा रहे थे, जिससे कोरोना वायरस फैलने का डर बन रहा था। इसको लेकर स्थानीय प्रशासन ने काशीपुर के IMA के चिकित्सकों के साथ नगर निगम में बैठक आयोजित की, जिसमें प्रशासन ने निजी चिकित्सकों से लोगों का आयुष्मान योजना के अंतर्गत उपचार करने की मांग की, जिससे लोगों को निःशुल्क उपचार कराने के लिए देहरादून और दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं चिकित्सकों ने भी प्रशासन द्वारा रखे गए सुझाव का स्वागत किया और महामारी के दौर में अपना योगदान देने की बात कही। वहीं COVID-19 के नोडल अधिकारी वंशधर तिवारी ने बताया कि कोरोना वायरस के अतिरिक्त जो भी उपचार आयुष्मान कार्ड धारक मरीज कराएगा उसका बिल आयुष्मान योजना और रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा किया जाएगा। अरे जो हमारे तिवारी जी और खन्ना जी के डॉक्टर खन्ना रुद्रपुर उनके बीच में एक वार्तालाप हुआ, तो उसमें क्या जानना चाहें? उसमें यही बात हुई कि हम लोग अपनी कोविड पीरियड में किस तरह से अपनी क्लिनिक चलाएं या अपने अस्पताल चलाएं, जिससे कि ना जनता को परेशानी हो ना हमको। सबसे बड़ा देखिए रिस्क हमको ये लगता है कि हमारी क्लिनिक में कोई पेशेंट आया एसिम्प्टोमेटिक, आज बुखार का पेशेंट आया, अभी तो उसको है नहीं कोरोना, अगर दो दिन बाद वो कोरोना निकल आता है उसको, तो हम लोगों की क्लिनिक में हमारा स्टाफ का हमारा किस तरह होगा? वो एकदम बंद कर दी जाएंगी सारी क्लिनिक, या हम लोगों को भी कोरोना होने का डर रहता है? उसमें हमने यही कहा कि हम पूरी एहतियात तो बरत रहे हैं, मास्क लगाने की है, सैनिटाइजेशन की है, या हाइपोक्लोरिक एसिड से सफाई करते रहने की है प्रॉपर, कि हर पेशेंट से कहना है कि भाई वो मास्क भी लगाए, हमारे कमरे में आकर पहले सैनिटाइज करें अपने आप को, घर पर भी करें, कोई चीज़ ना छुए। इस तरह ये सारी एहतियात के साथ हम लोगों ने कहा है कि हम लोग पूरा कार्य करते रहेंगे, जिससे जनता को भी ना परेशानी। देखिए अभी कुछ दिन पहले रुद्रपुर IMA के साथ भी इसी प्रकार की बैठक हुई थी और उसके काफ़ी सकारात्मक नतीजे आए हैं सामने, जिससे कि आम जनता, आम जनमानस को COVID-19 जो ये महामारी का समय चल रहा है उसमें जो है उनको कुछ सहूलियतें दी जाएं। इसी प्रकार से आज IMA काशीपुर के साथ भी एक बैठक हुई है, जिसमें काशीपुर के सभी गणमान्य चिकित्सक और जो बड़े अस्पताल के जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो सब आए थे यहाँ पर, और उनके साथ भी रणनीति पे आगे चर्चा हुई कि किस प्रकार से आम जनता के बेटर, और ताकि उनको भी प्राइवेट चिकित्सकों को भी आर्थिक नुकसान ना झेलना पड़े, उसमें जो है क्या कॉमन स्ट्रेटेजी अपनाई जाए। तो उसमें काफ़ी बिंदुओं पे चर्चा हुई और काफ़ी अच्छे नतीजे निकले, और IMA काशीपुर इस संदर्भ में जो है अपना एक हमें अपना एक वो भी मेमोरेंडम भी बना के दे रहे हैं, जिस पर शाम तक हम लोग डिसीजन ले लेंगे और बैठ के जो है आगे जो है पॉजिटिव रास्ते की तरफ भी हम बढ़ेंगे। नहीं देखिए क्लिनिक से ऐसा कुछ नहीं, सरकारी अस्पताल भी काम कर रहे हैं, तो मरीजों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, केवल उन्हें सही जगह पहुंचने की ज़रूरत है, क्योंकि चिकित्सकों के मन में अपने प्रति भी और अपने स्वयं के जो स्वास्थ्य उसकी भी चिंता है। देखिए ऐसे बहुत से पेशेंट्स हैं हमारे उधम सिंह नगर जनपद के जो इलाज के लिए बाहर जाने के लिए परेशान है, लॉकडाउन है, आपको पता ही है कोई आ जा नहीं रहा है, तो पास बनाने को लेकर के आ रही परेशानियों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया कि जो उधम सिंह का मरीज है वो यहीं पर देखेंगे डॉक्टर लोग, और उसके लिए एक मैकेनिज्म हमने बनाया हुआ है, उसका भुगतान जिनके भी आयुष्मान कार्ड हैं उनका भुगतान आयुष्मान योजना से और जो बचेगा उसको रेड क्रॉस सोसाइटी से किया जाएगा, उसी को लेकर के बैठक आयोजित की गई थी ताकि इनकी सहमति ली जाए और जो जिले के मरीज हैं उनको यहीं पर ठीक किया जा सके। नहीं वही मैं बता रहा हूँ कि ये COVID-19 के अलावा, COVID-19 तो हमारा जाएगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उसके अलावा दूसरी जो मरीज हैं उनकी बात हो रही है कि उनको भी इलाज करने की व्यवस्था उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है, और उसके तहत ये बैठक आयोजित की गई है जिसके सकारात्मक परिणाम मिले और लोगों ने सहमति दिया।